एवरीवन, वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 का ग्रैंड फिनाले बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। बिग बॉस के घर के अंदर अब एक एक करके सारे के सारे सदस्य बाहर हो रहे हैं और बिग बॉस को टॉप 5 के बाद टॉप 4 मिले, टॉप 4 के बाद अब टॉप 3 और 3 के बाद भी अब आ चुके हैं टॉप 2 सामने। दोस्तों, इस लिस्ट में जहां सबसे पहले शालीन भनोट घर से बाहर हुए, तो उसके बाद अर्चना गौतम का नंबर आया, तो वहीं अब तीसरे नंबर पर कौन है वो सदस्य जो घर से निकल चुका है। दोस्तों, बताएंगे आपको सदस्य का नाम, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर माहौल बहुत गर्मा गर्मी का हो चुका है, क्योंकि अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो सदस्य जो तीसरे नंबर पर बाहर हो गया है। दोस्तों, आपको जानकर होगी हैरानी कि वो सदस्य और कोई नहीं बल्कि पीट आउट यानी कि एमसी स्टैन है। जी हाँ, एमसी स्टैन को टॉप 3 में लाया गया। एमसी स्टैन की जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। हालांकि स्टार्टिंग में एमसी स्टैन बहुत ज्यादा चुप चुप थे। एमसी स्टैन घर के माहौल में ढल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि घर के अंदर चल क्या रहा है। कई बार एमसी स्टैन ब्रेक डाउन हुए, रोए और वापस घर जाने की गुजारिश की। लेकिन दोस्तों, जब एमसी स्टैन को धीरे धीरे गेम समझ में आया, तो उनकी पर्सनालिटी इतनी बेहतरीन हुई कि वो आ गए टॉप 3 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। एमसी स्टैन ने अपनी कम्युनिटी, रैपर कम्युनिटी का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया। लेकिन दोस्तों, एमसी स्टैन को आखिरकार घर से बाहर होना ही पड़ा। लेकिन एमसी स्टैन की जर्नी को हर किसी ने किया है अप्रिशिएट। वेल, ऐसे में एमसी स्टैन का इविक्शन बहुत ही ज्यादा फैंस के लिए शॉकिंग है। आपको बता दें कि बिग बॉस 16 के सेट के बाहर बहुत बड़ी भीड़ आ चुकी है एमसी स्टैन के फैंस की। जी हाँ, एमसी स्टैन के फैंस की इतनी भीड़ है बिग बॉस के सेट के बाहर की कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। ऐसे में एमसी स्टैन अगर इविक्ट हो गए हैं, जी हाँ, जो कि सच है, तो फैंस का क्या रिएक्शन होगा ये जनता जानना चाहेगी। ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि बाहर खड़े हुए फैंस क्या रिएक्ट करेंगे। दोस्तों, एमसी स्टैन ने अपने आप को इविक्ट होने पर पूरे तरीके से संभाल लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि बिग बॉस के मेकर्स उन्हें नहीं जिताएंगे। लेकिन एमसी स्टैन ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। उनके रैपर कम्युनिटी में आज उनका नाम बहुत ऊंचा है। क्या कहेंगे आप एमसी स्टैन की जर्नी पर और एमसी स्टैन के टॉप 3 में आने के बाद हुए इविक्शन पर? हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।